हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का आज की कृष्ण कथा में हार्दिक अभिनंदन है। आपको ये जानकर के बड़ा आश्चर्य होगा, आज से लगभग 5000 साल पहले जब कंस जैसे असुर, शिशुपाल जैसे असुर और उनकी सेनाओं के द्वारा अनेकों प्रकार के भूमि के ऊपर अत्याचार किए गए, तो भूमि को वो भार सहन नहीं हुआ। अत्यंत दुखी होकर भूमि ने एक गाय का रूप धरा और ब्रह्मा जी के पास में गई और अपनी पीड़ा, अपना कष्ट उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा। ब्रह्मा जी अन्य देवताओं के साथ, भूमि के साथ, इसी ब्रह्मांड में एक ग्रह है जिसे श्वेत द्वीप कहते हैं, जहां पर भगवान विष्णु क्षीर सागर में अपनी योग निद्रा में विराजमान है। तो सभी देवतागण वहां पर गए और क्षीर सागर के तट से भगवान की आराधना करने लगे। वेदों के अनुसार उन्होंने पुरुषा सूक्त नामक प्रार्थनाओं के द्वारा भगवान की उपासना की। थोड़ी देर के पश्चात जब सभी देवताओं ने देखा कि भगवान की तरफ से कोई भी जवाब नहीं आया, तब ब्रह्मा जी ने सोचा कि मैं प्रेम के साथ, भक्ति के साथ भगवान के ऊपर ध्यान लगाऊंगा। तो उन्होंने भगवान के ऊपर ध्यान लगाया। ध्यान लगाने के पश्चात भगवान ने उनके हृदय के अंदर में संदेश प्रदान किया। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है यहां पर समझना, ब्रह्मा जैसे महान देवता भी भगवान के दर्शन के लिए आतुर हैं, लेकिन उनको भी दर्शन मिलना अत्यंत दुर्लभ है। भगवान ने ब्रह्मा जी को दो संदेश दिए। एक कि भगवान स्वयं मथुरा नगरी में देवकी और वसुदेव के घर में स्वयं अपने आदि रूप में भगवान धरती पर आएंगे। दूसरा, उन्होंने सभी देवताओं को आदेश दिया कि सभी देवता गण भी भगवान की संतुष्टि के लिए जब भगवान अपनी लीला रचाएंगे, तो ये सारे देवी देवता, वो भी यदुकुल में जाकर के जन्म ले भगवान की लीलाओं में सहायता करने के लिए। तो ये भी हम देख सकते हैं, भगवान ने सबसे पहले ये ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया, बाद में ब्रह्मा ने ये आदेश, भगवान का संदेश देवताओं को सुनाया। उसके बाद में सभी देवतागण अपने अपने धाम को वापस लौट गए। वहां पर मथुरा नगरी में वसुदेव, जो शूरसेन के पुत्र हैं, जो मथुरा के उस समय के राजा थे, उस समय देवकी के साथ में विवाह करने के पश्चात वापस अपने घर की तरफ लौट रहे थे। और उस समय देवकी का भाई कंस स्वयं रथ को हांक रहा था, लेकिन उस समय क्या हुआ, एक आकाशवाणी आकाश से सुनाई दी। उस आकाशवाणी ने कंस से कहा, अरे मूर्ख कंस, तू अपनी बहन के रथ को हांक रहा है, लेकिन तुझे ये ज्ञान नहीं है कि देवकी का आठवां पुत्र तुम्हारे वध का कारण बनेगा। तो कंस जो है तुरंत भयभीत हो गया, उसने रथ की लगाम छोड़ दी और जिस हाथ से उसने लगाम पकड़ी थी उसी हाथ से उसने देवकी के बालों को खींचना शुरू किया। दूसरे हाथ से उसने अपनी तलवार निकाल ली और तुरंत उस अबला कन्या, अपनी बहन का वध करना चाहता था। उस समय वसुदेव ने जब ये घिनौना कार्य देखा, तुरंत वसुदेव ने कंस से कहा, अरे कंस, क्या तुम मृत्यु से इतने घबराते हो कि अपनी मृत्यु के लिए, उससे बचने के लिए तुम अपनी बहन का वध करना चाहते हो? उस समय वसुदेव ने एक उपाय किया और बड़े ही महत्वपूर्ण आत्म साक्षात्कार, आध्यात्मिक ज्ञान कंस को प्रदान किया। उन्होंने तीन बड़ी महत्वपूर्ण बातें कही। पहला, उन्होंने कंस को समझाया, उन्होंने कंस से कहा
कि जब कोई भी जीव इस संसार में जन्म लेता है, जन्म लेने के पश्चात उसकी मृत्यु निश्चित हो जाती है। दूसरा उन्होंने कम से कहा कि जीव तभी अपने शरीर को छोड़ता है जब उसका नया शरीर तैयार हो जाता है और अगला शरीर धारण करते हैं। तीसरा वो कम्स को बताते हैं कि जिस प्रकार से सूरज एक है, उसका रूप भी एक है, चंद्रमा का रूप भी एक है, लेकिन वही सूरज वही चंद्रमा जब हिलते हुए पानी में, जब उसके अंदर में उसका प्रतिबिंब आता है, उसके अनेकों प्रकार के अलग अलग रूप नजर आते हैं। ठीक इसी प्रकार से आत्मा का रूप एक ही है, लेकिन जब हमारा मन विचलित होता है, जब हमारा मन चंचल है, अशांत है, जब उसके अंदर में अनेकों प्रकार की भौतिक आकांक्षाएं हैं, इच्छाएं हैं, उसके कारण आत्मा इस भौतिक संसार में अनेकों प्रकार के शरीर धारण करती है। तो इस प्रकार से आत्मा अलग है और ये शरीर अलग है, इस प्रकार का ज्ञान वसुदेव ने कंस को दिया। फिर वसुदेव ने सोचा कि मुझे कुछ ऐसा तो करना चाहिए जिसकी वजह से अभी अगर मैं देवकी की जान बचा सकूं, वो महत्वपूर्ण है, आगे अपनी संतानों के बारे में बाद में सोच लूंगा, पहले देवकी की जान बचा लूं। उन्होंने कंस से कहा, कंस तुम्हें जो है देवकी से कोई भय नहीं है, देवकी तुम्हारा वध थोड़ी करेगी, देवकी का आठवां पुत्र आकाशवाणी के अनुसार तुम्हारा वध करेगा, और मैं अपनी तरफ से यह वचन देता हूं कि देवकी के जितने भी पुत्र होंगे मैं सब ला करके तुम्हें सौंप दूंगा। कंस को वसुदेव के वचनों के ऊपर बहुत भरोसा था, उन्हें पता था वसुदेव अपने वचनों के पक्के हैं, तो उसने तुरंत वसुदेव और देवकी को छोड़ दिया।